रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सोनिया अपनी ननद कनिका के लिए बहुत रिश्ते तलाश रही थी, लेकिन उसे एक भी रिश्ता नहीं मिलता। एक दिन सोनिया अपनी सास मालती के पास आती है। माँ जी, हम कब तक कनिका के लिए लड़का ढूंढते फिरेंगे? हमारी कनिका कितनी काम काजी लड़की है, बड़ों का आदर करती है, छोटों को प्यार करती है, फिर भी पता नहीं क्यों हमारी कनिका के लिए कोई अच्छा रिश्ता क्यों नहीं मिल रहा। बहू, अब क्या करो? शायद इंसान के अंदर के गुण को लोग नहीं देखते, बस बाहरी सुंदरता देखना पसंद करते हैं। तभी तो हमारी कनिका के अंदर इतनी खूबी होने के बावजूद हमारी कनिका को लोग पसंद नहीं करते। आपने कभी मुझे ये वाली बात तो बताई ही नहीं कि हमारी कनिका का रंग रूप देखने के लिए लोग आते हैं, ना कि उसके गुण। वैसे भी हमारी कनिका किसी से कम है क्या? बहू, तो खुद को बहला रही है या हमको? देख, अगर हमें बहला रही है तो मैं बता दूं, हमको पता है सब कुछ कि दुनिया ऐसी ही है, तो बस खुद को भी उस भ्रम से बाहर निकाल ले। माँ जी, भ्रम नहीं है, आप देखना मैं खुद हमारी कनिका को कितना सुंदर बनाती हूँ। लोग सुंदरता पे मरते हैं ना, तो ठीक है मैं फिर बनाती हूँ कनिका को सुंदर एकदम। मालती और सोनिया बात कर रही होती हैं, तभी वहाँ कनिका आती है और अपनी माँ और भाभी को बोलती है। आप दोनों अचानक बात करते करते चुप क्यों हो गए? मुझे पता है मेरे ही बारे में बात कर रहे होगे कि कहीं मैं आप दोनों की बात सुनकर दुखी ना हो जाऊं। अरे माँ भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बुरा नहीं लगता, तो आप लोग आराम से बात कर सकते हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है कनिका, हम तो बस बोल रहे थे कि तुम्हारा मेकओवर करवाना है। कुछ दिनों बाद मेरी सहेली की शादी है ना, तो वहाँ जाना है, तो चलोगी ना तुम मेरे साथ? नहीं भाभी, मैं नहीं जा सकती, मुझे पसंद नहीं है अनजान शादी में जाना। वैसे भी मैं क्या करूँगी आपकी सहेली की शादी में जाकर, वो भी इतनी सर्दी में। अरे चलो, बहुत अच्छा लगेगा, वैसे भी बहुत साल हो गए हैं तुम्हें घर से बाहर निकले हुए, तो इस बार तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा शादी में। अब इसके आगे मैं कुछ भी नहीं सुनने वाली हूँ, बस। अरे बेटा चली जाना, अब इतना बोल रही है तो तुझे भी अच्छा लगेगा बाहर निकलकर, इधर उधर जाकर घूम ले, भाभी के साथ शादी में होकर आ जा। भाभी बुरा मत मानना, लेकिन सच में मुझे कहीं जाने का मन नहीं हो रहा, तो मैं सच में आपको कभी मना नहीं करती। ठीक है कोई बात नहीं, जब तुम्हारा मन ही नहीं है कहीं जाने का तो हम क्या ही कर सकते हैं। खैर मैं भी अपनी सहेली को बोल दूंगी कि हम नहीं आ सकते उसकी शादी में। लेकिन भाभी, मैंने आपको कब मना किया है शादी में जाने से? आप जाओ, मुझे नहीं जाना इतनी सर्दी में। इतनी सर्दी में मैं कहीं बाहर नहीं जाना चाहती, वैसे भी आपकी बेस्ट फ्रेंड की शादी है तो आपको ही जाना चाहिए। कनिका के बहुत कहने पर भी सोनिया अपनी सहेली की शादी में जाने के लिए नहीं मानती। ऐसे ही कुछ वक्त गुजरता है और सोनिया की सहेली की भी शादी हो जाती है, लेकिन कनिका आज भी अपनी भाभी को मनाए जा रही थी। ऐसे ही एक दिन कनिका के घर सोनिया की सहेली प्राची आती है और कनिका को देखकर बोलती है, क्या आप मुझे बता सकती हैं सोनिया का ससुराल कहाँ है? जी आप कौन? मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड प्राची हूँ, क्या आप जानती हो सोनिया को? अगर आपका जवाब हाँ है तो क्या मुझे आप उसका घर दिखा सकती हो? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं आपको उनके घर तक छोड़ कर आती हूँ। अच्छा, सोनिया का ससुराल थोड़ी दूर पे है क्या? हाँ बहुत दूर है, के दो कदम बढ़ाते ही आप उनके घर के आंगन में खड़ी है और आप उनके घर के सामने आकर उनके घर का पता ही पूछ रही हो, वाह। अरे मैं भी ना, सच में मुझे पता नहीं था कि मैं उसके घर के आंगन में ही खड़ी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप नहीं जानते, आप यहाँ ना होते तो मैं कहाँ चली जाती। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ का हर बच्चा सोनिया भाभी को बहुत अच्छे तरीके से जानता है, इसीलिए आपको कोई ना कोई यहाँ तक पहुँचा ही देता। ठीक है अब अंदर जाइए। हाँ चली तो जाऊंगी, लेकिन मैंने आपका नाम ही नहीं पूछा, क्या नाम है आपका? कनिका नाम है मेरा। ठीक है अब आप अंदर जाओ। सुनिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, क्या मैं आपसे कुछ बोल सकती हूँ? आप सच में बहुत अच्छी हो, बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। इतना बोलकर प्राची अंदर जाती है और बाहर कनिका मुस्कुराने लगती है। प्राची अंदर जाकर सोनिया को आवाज देने लगती है, तभी सोनिया बाहर आती है। प्राची मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तू यहाँ मेरे ससुराल आ गई, सच में तुझे यहाँ देखकर तो मुझे सपना ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं खुली आँखों से कोई सपना देख रही हूँ। अरे बस कर,
कितना झूठ बोल रही है। अगर ऐसा कुछ होता तो तू मेरी शादी में नहीं आती क्या? कितना इंतजार किया मैंने तेरा, लेकिन तू आई ही नहीं। तबीयत खराब हो गई थी, इतनी सर्दी में कैसे जाती तू ही बता, वरना मैं और मेरी ननद आने के लिए तैयार थे। तब तबीयत की वजह से रुकना पड़ा मुझे। और बता कैसी है, तुझे घर का पता किसने दिया? मैं तो ठीक हूँ। और सुन ना, यहाँ तो किसी कनिका को जानती है? यह कितनी सुंदर है, बहुत अच्छी लड़की है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना अपने देवर के लिए कनिका का हाथ मांग लूँ उसकी फैमिली से। क्या सच में तुझे कनिका पसंद है? अरे वो दिखने में इतनी अच्छी भी नहीं है, कहाँ वो गरीब घर की लड़की। तू अपना देख, कितने अमीर है तेरे ससुराल वाले। यार सोनिया ऐसा मत बोल, कनिका सच में बहुत खूबसूरत है। उसकी आंखें, बोलने का ढंग, मुस्कुराहट, सभी मस्त है। ऐसी ही होनी चाहिए लड़कियाँ। वैसे भी मेरे देवर जी को कनिका जैसी ही लड़की पसंद है। बस मुझे उसका पता बता दे, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और हाँ, मैं कुछ दिनों में फिर से आऊंगी अपने ससुराल वालों के साथ, उनको भी तो पसंद आनी चाहिए ना कनिका। प्राची की बात सुनकर सोनिया मन ही मन बहुत खुश होती है। और प्राची के जाने के बाद सोनिया खुश होते हुए अपनी सास मालती के पास जाती है। माँ जी, आपको पता है आज हमारी कनिका के लिए बड़े घर का रिश्ता आया है, वो भी मेरी बेस्ट फ्रेंड के घर से आया है। वो बोल रही थी हमारी कनिका उन्हें बहुत पसंद है, कुछ दिनों में अपने सास ससुर को लेकर आएगी वो यहाँ। क्या बात करती हो, सच? मैं कहती थी ना, एक दिन बहुत अच्छे घर का रिश्ता आएगा हमारी कनिका के लिए, जो उसका स्वभाव देखकर उसे पसंद करेगा। हाँ माँ जी, आपको पता है मेरी दोस्त है ना, उस घर की बड़ी बहू है, उसके बिजनेस पूरे शहर में फैले हुए हैं। बस प्राची के ससुराल वाले हमारी कनिका को पसंद कर ले। वैसे भी सर्दी के मौसम में हर किसी की शादी होती है, लेकिन सर्दी में मेरी ननद के लिए अमीर घर का रिश्ता आया है। इतना खुश मत हो बहू, वरना नजर लग जाएगी। अगर कोई सुन लेता है हमारी बातें तो हमारी कनिका के आने वाले रिश्ते पे नजर लग जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा माँ जी, मैं अपनी कनिका की जिंदगी में अब किसी की नजर बर्दाश्त नहीं करूँगी। अब जो भी बीच में आएगा ना, बस उसकी खैर नहीं है अब तो। सास बहू बातें कर रही होती हैं, तभी कनिका बाहर से वापस आती है। और तभी सोनिया उसे बहुत प्यार करने लगती है और उसकी बलाएं भी लेती है। तभी ये सब देखकर कनिका बोलती है, बस 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 भाभी, ये सब क्या हो रहा है अचानक? आप प्यार किस लिए? और आपकी सहेली चली गई क्या? रास्ते में मिली थी मुझे ही, हमारे घर का पता पूछ रही थी। अच्छा तुम थी क्या उसे पता बताने वाली? हमें लगा कोई अच्छी भली लड़की होगी, क्योंकि प्राची तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। पता नहीं ऐसा क्या कह दिया तुमने। ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बस उनसे थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर लिया तो उनको अच्छी लग गई मैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और दिसंबर का महीना आ जाता है। बहुत सर्दी थी, उस सर्दी में प्राची अपने ससुराल वालों को अपनी सहेली के घर लेकर आती है। सभी बैठे चाय पकौड़े खाते हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी प्राची सोनिया से कहती है, सोनिया अब तो तू उस लड़के के घर लेके चल, हमारी कितनी खातिरदारी करेगी, गर्मा गर्म चाय पकौड़े। अरे बस कर अब मुझे कनिका के घर जाना है। बस दो मिनट बैठ, मैं अभी आती हूँ। और हाँ, चौंकना मत। सोनिया अंदर जाकर कनिका को बाहर लेकर आती है। उसे देखकर प्राची हैरान रह जाती है, और कनिका सोनिया की ननद है ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। और सभी कनिका को पसंद भी करते हैं। और सर्दी में ननद के लिए आया अमीर घर के रिश्ते से सोनिया बहुत खुश हो जाती है। सोनपुर गांव में कैलाश अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहा करता था। कैलाश बहुत मेहनती और समझदार भी था, जिस वजह से गांव वाले कैलाश की बहुत इज्जत करते। वहीं दूसरी तरफ कैलाश के घर के ठीक सामने उनका पड़ोसी मटरू रहा करता। जी सुनिए, मुझे आपसे बहुत समय से एक बात कहनी थी, लेकिन मुझे समय ही नहीं मिल पा रहा था और मैं उस बात को फिर भूल भी जाया करती थी। हाँ कहो, क्या बात है, तुम किस बात से परेशान हो? नहीं मैं परेशान तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने कई दिन अपने सामने वाले मटरू को सुबह सुबह घर लौटते देखा है, और मैं उसे रात में ही घर से निकलते हुए भी देखती हूँ। अरे गीता, तुम उस पर ध्यान मत दो, वो शहर में काम करता है तो रात में जाता है और सुबह होते होते घर लौट आता है। जी मुझे तो लगा, ना जाने ये रोज सुबह सुबह कहाँ से आता है। तुम भी ना, वैसे वो मटरू की शक्ल भी थोड़ी डरावनी है, उसे कोई देख ले
तो सोचे कहां से ये सुबह सुबह तंत्र विद्या सीख कर आ रहा है। मटरू पूरे दिन सोता और रात को अपना झोला लिए जंगल की तरफ से होता हुआ शहर को निकल जाया करता। एक रोज गांव में सरपंच जी के घर चोरी हो जाती है। अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, ना जाने कौन अभागा मेरे गोदाम से अनाज की बोरिया ले गया। मालकिन ये तो सच में गंभीर समस्या का विषय है। यहाँ से एक दो बोरिया नहीं बल्कि 10 से ज्यादा अनाज की बोरियां चोरी हुई हैं। एक बार बस पता चल जाए कि मेरे गोदाम से अनाज की बोरियां कौन ले गया है, उसके दोनों हाथ कटवा कर अपने दरवाजे पर लगवाऊंगी। अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, अब मैं सरपंच जी को क्या मुंह दिखाऊंगी। गांव के लोगों में दहशत का माहौल बन जाता है कि आखिर जब गांव के सरपंच के घर में चोरी हो सकती है तो गांव के लोगों का क्या, चोर तो उनका सामान भी चुरा ले जाएंगे। कैलाश, गांव में आज तक मैंने इतनी बड़ी चोरी नहीं देखी, वो भी गांव के सरपंच के घर। हाँ काकी, गांव में सरपंच जी के घर चोरी मायने रखती है, लेकिन हो तो ये भी सकता है ना कि चोरी उनके किसी खास ने की हो। बेटा हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन कह नहीं सकते, अब हमें भी चौकन्ना रहना होगा। हाँ काकी, ये तो ठीक कह रही हो तुम, चलो चलता हूँ, मुझे खेत भी जाना है। कैलाश जैसे ही अपने घर की तरफ जाता है तो वहाँ मटरू को अपने घर के बाहर झाड़ू लगाते हुए देखता है। अरे मटरू, क्या बात है, आज तो तेरे दर्शन हो ही गए, मुझे तो तू पूरे 3 महीनों से नजर नहीं आया है। अरे कैलाश भैया कैसन हो, हमरी तो नौकरी चली गई, अब का करे समझ में नहीं आ रहा। ये सोच रहे हैं कि कुछ दिन आराम कर लेते हैं, उसके बाद जाके नौकरी ढूंढेंगे। अरे मटरू सुनकर बुरा लगा, चल कोई नहीं, अब शहर ना जाकर गांव में ही कोई काम ढूंढ ले। हाँ भैया, सोच तो हम भी यही रहे हैं, वैसे हमें लायक कोनो काम हो तो हमको जरूर बताइएगा। अब सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन अब सरपंच जी के यहाँ चोरी होने के अगले ही दिन फिर से गांव में चोरी होती है। अरे कैलाश भैया का बात हो गई, यहाँ पे इतना भीड़ काहे है, कोनो हादसा वासा हुआ है का? अरे नहीं नहीं मटरू, गांव में कोई हादसा तो नहीं हुआ है, लेकिन लगातार चोरियां हो रही हैं, इसलिए हमें चौकन्ना रहना होगा। अरे बाप रे, ये का बोलत हो भैया, अपने सोनपुर गांव में चोरी हुई? अरे मटरू, बड़े ही दिनों बाद दिखा है, लगता है अब शहर आना जाना नहीं कर रहा क्या? अरे काकी कैसन बात कर रही हो, शहर तो तब जाएंगे ना जब कोनो काम होगा। अरे हमारा तो काम चला गया ना, अरे मतलब छूट गया। इधर गांव में चोरियों से गांव के लोग काफी डरे हुए थे और परेशान थे, लेकिन कैलाश को मटरू पर शक हो रहा था, क्योंकि जब से गांव में चोरियां होने लगी तब से मटरू गांव से बाहर जाना बंद कर चुका था और ये कैलाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे मटरू पर नजर रखनी होगी, क्योंकि उसमें आए अचानक बदलाव के कारण मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले तो वो किसी से ठीक से बात भी नहीं करता था, लेकिन हो सकता है उसकी नौकरी चली गई हो तो उसमें विनम्रता आ गई हो। लेकिन ये तो कह रहा था इसकी नौकरी चली गई है, तो ये जा कहाँ रहा है? लगता है फिर से कहीं काम मिल गया होगा। कैलाश तो अपने घर की रखवाली कर रहा होता है, इसीलिए वो मटरू पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अब की बार मटरू के घर चोरी हो जाती है। मटरू सुबह सुबह ही अपने घर के बाहर बैठकर रो रहा होता है। अरे मटरू भैया, क्या सब ले गए आपके घर से चोर? वैसे तो आपके घर में कुछ ऐसा है ही नहीं कि चोर आकर चोरी कर जाए। अरे गीता भाभी का बताए आपको, हमारे पास तो कुछ था नहीं, लेकिन हमारी माँ के गहने वो चोर चुरा के लेके चले गए, जो हमारी माँ ने हमारी होने वाली पत्नी के लिए दिया था। चोर ने तो वो भी नहीं छोड़ा, हमारी तो लुटिया डूब गई। मटरू एक तुम ही चोर से परेशान नहीं हो, पूरा गांव रात में जाग जाग कर पहरा देता है, लेकिन चोर तो इतना शातिर है कि किसी के हाथ ही नहीं आ रहा। रात में ही कैलाश हमको बाहर जाते हुए देख लिया था, वरना हम अपने घर में चोरी करने का नाटक थोड़ी करते। पूरे गांव में चोरी करते हैं और अपने घर में चोरी का नाटक नहीं कर सकते, ऐसे कैसे हो सकता है? असल में गांव में जो भी चोरी हो रही थी उसमें मटरू का ही हाथ था। अब देर रात फिर से कैलाश गांव में चल रहे चोरी की वजह से जककर पहरेदारी कर रहा था, तभी वो देखता है कि कुंती काकी के घर की तरफ मुंह पर कपड़ा बांधे एक आदमी गया है।
कहीं यही चोर तो नहीं है वो? कहीं क्या, यही है वो चोर? भला इतनी रात को कुंती काकी के घर में उनके समधी जी थोड़ी आएंगे। बेटा मुझ बुढ़िया के घर में क्या ही मिलेगा तुझे, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। चुप कर और बता कहाँ रखे है तूने पैसे यार गहने? आज ही तूने अनाज और सब्जियाँ बेचकर अच्छे पैसे कमाए हैं, चल जल्दी निकाल। बेटा वो पैसे मैंने अपने बच्चों के लिए जमा कर रखे हैं, उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। अब कैलाश पीछे से जाकर उस चोर को पकड़ लेता है और उसकी अच्छे से धुलाई करता है। इधर कुंती काकी गांव वालों को इकट्ठा कर चुकी थी और जब उस चोर के चेहरे से कपड़ा हटाया जाता है तो सामने कोई और नहीं बल्कि मटरू होता है। मटरू तू, तूने मुझे माँ समान बुढ़िया पर चाकू रखा, मेरे घर में चोरी करने आया। अब खुद सच बताएगा या गांव वालों को बुलाऊं? मार खा के बताएगा क्या सच? नहीं नहीं भैया, हमका मत मारो, ये सब तो गांव के लोगन से बदला लेने के लिए किया था। अरे अभागा, कौन सा बदला? कौन सा गांव वाले ने तुम्हें सूली पर चढ़ाने की बात कही थी जो तू गांव में चोरी करके लोगों से बदला ले रहा है? आज से 6 महीने पहले ये सब लोग हमको बेरोजगार कहते थे, कहते थे चोर की शकल का है तू, तेरे को काम कौन देगा? लेकिन हमने हार नहीं मानी, हम शहर गए, काम पकड़ा, लेकिन वहाँ भी लोग हमारा मजाक बनाने लगे, कहने लगे कि शकल देखो भोंदू सी है। तब हमने ठान लिया कि हम अब दिखाते हैं कि हम का कर सकते हैं, और आज भी हम पकड़े नहीं जाते, वो तो कैलाश भैया ने हमको देख लिया। मटरू, तुम इतनी सी बात की वजह से गलत रास्ते पर गए, तुम इससे सीख लेकर अच्छे रास्ते पे भी चल सकते थे ना। हाँ आप ठीक कह रहे हो कैलाश भैया, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या करते, हम बदले में अंधे हो चुके थे, हमको बदला लेना था और सबको परेशान करना था, हमको माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। और सरपंच जी की चोरी भी तुमने की थी ना? नहीं नहीं, वो चोरी हम नहीं किए, वो चोरी तो सरपंच जी के साले ने की थी, हमने अपनी आंखों से देखा था उसे गोदाम से अनाज ले जाते हुए। मटरू के काफी माफी मांगने पर गांव वाले तो मटरू को माफ कर देती हैं, लेकिन जब सरपंच को मटरू उनके गोदाम में चोरी करने वाले का नाम बताता है तो सरपंच जी मटरू से खुश होकर उसे काम पर रख लेते हैं। बेगमपुर गांव में एक शेखर नाम का आदमी आता है जो कि कलेक्टर ऑफिस से आया होता है। शेखर जब गांव में पहुंचता है तो देखता है गांव के बीच एक रेखा खींची हुई है और गांव का कोई भी आदमी उस रेखा को पार ही नहीं करता था। तभी वहां से एक बुढ़िया अपने सर पर पानी का घड़ा लिए गुजर रही होती है। शेखर उसे रोकता है। अम्मा, मुझे सरपंच सज्जन सिंह के यहाँ जाना था, क्या आप बता सकती हैं कि मुझे किस तरफ जाना पड़ेगा? अब पूछो क्या पूछना है। पहले आप ये बताइए कि आपने मेरा हाथ पकड़कर अपनी तरफ भला क्यों खींचा? क्योंकि तुम्हें जिससे मिलना है वो आदमी हमारी तरफ का है और तुम गांव के दूसरी तरफ खड़े थे। अरे अरे, आप ये कैसी बातें कर रही हैं अम्मा जी, मैं चाहे किसी भी जगह पर खड़ा रहूं, अरे गांव तो एक ही है ना। नहीं, इस गांव का बंटवारा हो चुका है, ये गांव दो हिस्सों में बटा हुआ है, आधा हिस्सा हमारे वर्तमान के मुखिया सज्जन सिंह का है और आधा गांव हमारे भूतपूर्व मुखिया केशव सिंह का है। क्या कहा, इस गांव का बंटवारा हो चुका है? हाँ बेटा, इस गांव का बंटवारा हो चुका है, इस गांव के लोग अपनी जिंदगी जी नहीं रहे बल्कि काट रहे हैं। आप इसी रास्ते सीधे चले जाओ, सामने एक बड़ा सा घर दिखाई देगा, वही सज्जन सिंह का घर है। थोड़ी देर बाद शेखर सज्जन सिंह के घर पहुंचता है और देखता है कि वो अपनी पत्नी रमा के साथ बैठा चाय पी रहा होता है। क्या आप ही सज्जन सिंह हैं, इस गांव के मुखिया? जी हाँ, मैं हूँ इस गांव का मुखिया, बताइए क्या काम है आपको? जी वो आप लोगों ने बहुत समय पहले इस गांव में पानी की टंकी लगाने की अपील करी थी,
सरकार ने उसके लिए मंजूरी दे दी है। मुझे बस कुछ पेपर्स तैयार करके दिल्ली भिजवाने होंगे, उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। ये तो बहुत ही खुशी की बात है, आखिरकार हमारी मेहनत रंग ही लाई। अब हमारे गांव में पानी की कमी कभी नहीं होगी, सभी लोग सुखी हो जाएंगे। जी बिल्कुल, आप एक काम करिए, केशव सिंह को भी बुला लीजिए, वो भी एक बार पेपर पर साइन कर देंगे, फिर मैं आगे का प्रोसेस शुरू कर देता हूँ। देखिए, केशव सिंह अब इस दुनिया में नहीं है, आपको जो काम करवाना है, जहाँ साइन लेना है, हमसे ले लीजिए और काम शुरू करवाइए। अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो उनके परिवार में से कोई होगा, अरे उनको बुला लीजिए, क्योंकि जब तक उनके घर का कोई मेंबर इस पेपर पर साइन नहीं करता, मैं किसी काम को आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ। शेखर गांव का ब्यौरा लेना शुरू कर देता है। धीरे धीरे गांव में पानी की टंकी बनने वाली बात केशव सिंह की पत्नी हीरा देवी के कानों तक पहुंच जाती है और वो शेखर से मिलने के लिए उसके ऑफिस आती है। आप हैं कौन और ऐसे कैसे मेरे ऑफिस में घुस आई आप? शांत हो जाइए, आपको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, तभी आप मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। आप कोई भी हो लेकिन किसी सरकारी ऑफिस में नहीं घुस सकती हैं, वो भी बिना इजाजत के। आप पहले शांति से मेरी बात सुनिए, मेरा नाम हीरा देवी है, मैं केशव सिंह की पत्नी हूँ। मैंने सुना है कि आप यहाँ पानी की टंकी बनवाने वाले हैं। अच्छा, तो आप हैं हीरा देवी, आपने जो सुना है सही सुना है। जल्दी से इन कुछ पेपर्स पर साइन कर दीजिए ताकि मैं फिर सज्जन सिंह जी से भी साइन करवा के आप लोगों के लिए ये काम शुरू करवा सकूं। आपको सज्जन सिंह की साइन की कोई जरूरत नहीं है, मेरी साइन ले लीजिए और काम आगे बढ़ाइए। साथ ही पानी की टंकी हमारी तरफ बननी चाहिए ताकि गांव वालों को पानी की कोई दिक्कत ना हो। वो वैसे भी नहीं होगी क्योंकि एक पानी की टंकी से पूरे गांव में पानी दिया जा सकता है। नहीं, उसका पानी तो सिर्फ हमारे हिस्से में आना चाहिए। आप इतने दिनों से इस गांव में हैं, आपको पता नहीं चला कि इस गांव का बंटवारा हो चुका है? अरे आपकी तरफ की जमीन अच्छी नहीं है, पानी की टंकी तो सज्जन सिंह की तरफ ही बनेगी क्योंकि उस तरफ नदी का भी बहाव है। होगा वही जो मैं चाहूंगी। हीरा देवी वहां से चली जाती है और शेखर अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। दिन गुजरते हैं लेकिन गांव के बंटवारे के कारण गांव वालों का ही नुकसान होता है, जिसकी वजह से गांव वालों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक दिन अचानक से एक मजदूर काम करते करते खेतों में बेहोश हो जाता है। तभी शेखर उसके पास आता है और वहां खड़े लोगों से उसे अस्पताल ले जाने के लिए मदद मांगता है। साहब, हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, दूसरे गांव में है। ये कैसे हो सकता है कि पूरे गांव में कहीं भी एक हॉस्पिटल ना हो? साहब, गांव में हॉस्पिटल है लेकिन हमारे हिस्से में नहीं है, हीरा देवी के हिस्से में है। और अगर हमारे गांव का कोई आदमी उधर गया तो दोबारा कभी अपने इस तरफ आकर अपने परिवार वालों से नहीं मिल सकता। अरे तो फिर तुम लोग बीमार होने पर इलाज करवाने कहां जाते हो? दूसरे गांव साहब। अरे यार, हद है तुम लोगों की भी। गांव में हॉस्पिटल होने के बाद भी सिर्फ दो लोगों की दुश्मनी और मनमानी के कारण आप लोगों को इतना सब कुछ सहना पड़ता है। अरे आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? सभी लोगों को अपनी जान प्यारी है साहब। मैं ये सब होता हुआ नहीं देख सकता हूँ। इस आदमी का इलाज इस गाँव के हॉस्पिटल में ही होगा, मैं देखता हूँ कौन मेरा क्या करता है। शेखर उस आदमी को उठाकर हीरा देवी के हिस्से में आने वाले अस्पताल में लेकर जाता है और उसका इलाज करवा के वापस लौट रहा होता है। तभी सज्जन सिंह और हीरा देवी अपने अपने हिस्से में खड़े दिखाई देते हैं। शेखर जी, आप यहाँ सरकारी काम से आए हैं, वही करिए, गांव के मामलों में आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे हिस्से के आदमी को इस हीरा देवी के हिस्से में ले जाने की? मैंने वही किया जो इंसानियत के नाते ठीक था, क्योंकि मैं आप लोगों की तरह अपनी आंखों में पट्टी बांध कर नहीं रह सकता हूँ। शेखर वहां से चला जाता है। दिन बीतते जाते हैं और परेशानियां बढ़ती जाती है। एक दिन अचानक से हीरा देवी के हिस्से की लाइट चली जाती है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर तो सज्जन सिंह के हिस्से में था, जहां पर सज्जन सिंह की इजाजत के बिना कोई नहीं जा सकता था। इस सब के चलते पूरा गांव पूरी रात बिना लाइट के बिता देता है, जिसे देखकर शेखर गांव वालों से कहता है, अरे आप लोग किस मिट्टी के बने हैं, आखिर ऐसा भी क्या हो गया जो इन लोगों ने गांव को दो हिस्सों में बांट दिया है।
अरे जिसकी वजह से जरूरत की चीजें आ नहीं सकती और जो चीजें गांव में है उसे आप लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। शेखर की बात सुनकर वही बुढ़िया आगे आती है जो उससे पहली बार मिली थी और उसे सारी बातें बताती है कि शेखर सिंह ने गलत फहमी में आकर हीरा देवी के पति को मार डाला था, जिसके चलते दोनों के बीच में ये दीवार खड़ी हो गई, जिसे सुनकर वो हैरान रह जाता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग सुकून का जीवन बिताएं तो आप सभी लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी, वरना कुछ नहीं हो सकता। इतना कहकर शेखर वहां से लौट आता है और कुछ देर बाद अपना सारा सामान पैक करके शहर वापस चला जाता है और पानी की टंकी का काम बीच में ही रुक जाता है। गांव के बंटवारे के चलते सभी गांव वालों का जीना हराम हो जाता है। धीरे धीरे कुएं का पानी भी सूखने लगा था। तभी एक दिन गांव के लोग अपने अपने हिस्से में खड़े आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं कि तभी सज्जन सिंह और हीरा देवी वहां आते हैं और अपने अपने हिस्से के लोगों को एक दूसरे से बात करता देख गुस्सा हो जाते हैं। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे दुश्मनों से बात करने की? तुम सभी लोगों को इसकी सजा मिलेगी। जरूर मिलेगी, जिसके बाद दोबारा तुम लोग अपने दुश्मनों से बात करने से पहले 100 बार सोचोगे। दोनों की ये बातें सुनकर बुढ़िया गुस्से में बोलती है, जब से आप लोगों की दुश्मनी हुई है तब से हम सभी गांव वाले सजा ही तो काट रहे हैं। कभी गांव का बंटवारा सहकर तो कभी अपनी जरूरत की चीजों के लिए दूसरे गांव से भीख मांगकर। आप लोगों ने कभी भी हमारे बारे में नहीं सोचा। एक पानी की टंकी के लिए आप लोगों ने इतना तमाशा कर दिया कि वो सरकारी अफसर भाग गया। अब हमें पानी तक के लिए तरसना पड़ रहा है। बुढ़िया को बोलता देख सभी गांव वाले हिम्मत करते हैं और उसका साथ देते हुए सब अपने हक की लड़ाई खुद लड़ने लग जाते हैं और ये सब देखकर उन दोनों को अपना दबदबा कम होता हुआ दिखता है और दोनों आपस में राय मशवरा करके शहर जाते हैं, जहां पर वह शेखर से टंकी दोबारा बनवाने की बात करते हैं। अब गांव वालों को सुकून की सांस मिलती है और उस दिन के बाद से वो सिर्फ गांव के हित के बारे में ही फैसला लेते हैं, वो भी साथ मिलकर। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।